JSR वुड चिप क्लासीफायर, इसमें फोर मैशेज हैं, एक 45 एम डाया होल की एसएस मेक है, पूरी की पूरी शीट्स जिससे कि हैविडिटी चल सके, और एक 45 एम डाया की होल की है, एक 8 एम की स्लॉट की है, बाकी 7 एम एंड 3 एम बोर की जिनकी ट्रायंगुलर पिच फिक्स है। ये चिप को डिफरेंशिएट करने के लिए काम आता है कि अलग अलग कितने कितने साइज़ की हमारे पास चिप्स हैं, फ्रैक्शनेट करने का काम आता है इसको। और इसमें यहाँ पे इसका कंट्रोल पैनल है जिसमें एक ऑन ऑफ स्विच और एक टाइमर दिया है, बेसिकली 10 मिनट का टेस्ट है, 10 मिनट में कितने ऑसिलेशन हो जाते हैं। यहाँ से ये पावर बटन दिया गया है ऑन के लिए, यहाँ से हम टाइम सेट कर सकते हैं, जैसे अभी मैं 2 मिनट सेट कर रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट सेट हो गया है, सेट किया है, अब स्टार्ट करते हैं। तो इसकी ऑसिलेट करती है, ये ऑसिलेटिंग डिस्टेंस इसकी 120 mm है, और जो ऑसिलेशन है वो भी 120 ऑसिलेशन पर मिनट है। इसको ये साइड्स में लॉक दिए हैं जिससे कि ये आराम से रखी जा सके। 2 HP का इसमें लोड है, 2 HP का बहुत हैवी गियर बॉक्स लगाया गया है जिससे कि बहुत समय चल सके, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग जर्क बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे ही टाइम पूरा होता है ये ऑटोमेटिकली टेस्ट होने के बाद रुक जाता है। हम लोगों ने इसमें लीनियर बैरिंग्स यूज़ किए हुए हैं जिससे कि लॉन्ग टर्म के लिए, जिससे लॉन्ग टर्म चूँकि बुशेस बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, घिस जाते हैं, तो हमने लीनियर बैरिंग यूज़ किए हुए हैं इसमें 35 एम के। तो ये है JSR वुड चिप क्लासीफायर, और 1 मिनट पूरा होने के बाद ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, तब आप इसको अनलॉक करके देख सकते हैं कि इसमें कितना चिप्स है, और उसको वे कर सकते हैं टोटल अमाउंट में से फ्रैक्शनेट कर सकते हैं। धन्यवाद।